एमपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी अपनी रणनीति को तेज करना शुरू कर चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सभी विधायक, मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत ने सभी नेताओं से उपचुनाव का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने उपचुनाव की अहमियत गिनाते हुए कहा कि ये समझ लो, ये रुतबा जलवा तब तक है जब तक सरकार है, इसलिए सब भूल भाल कर मैदान में उतरना होगा। केवल लेटर हेड पर नाम लिखवा कर नामधारी होने और माला पहनने से काम नहीं चलेगा। रणनीति में सब पारंगत है, इसलिए रिवीजन कभी कभी करना पड़ते हैं। उनके साथ बैठ करके बात करना और रणनीतिक आधार पर नीचे जमीन पर और उतरना ताकत के साथ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने मिलकर के इस बात को सबको ताकत के साथ मैदान में उतारने के लिए सभी लोग जुट प्रण पांच से जुट गए हैं। अब ये थोड़ी बताया जाता है, ये तो रणनीति है। चुनाव में रणनीतिक तौर पर हम नीचे जमीन पर उतरे हैं और ताकत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। सीएम का बादल देख के लगा कि ये सब मंत्री का रंग चढ़ने लगा और सांसद विधायक जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केवल देखिए ऐसा है, ये सब बातें अपने कार्यकर्ता को ताकत संबल देने के लिए सब करना होता है। आपको बता दें कि बीजेपी में बैठकों का दौर इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव 29 नवम्बर से पहले कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे में ये तय है कि उपचुनाव जिन 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में होना है उन पर भी 29 नवम्बर से पहले पूरे हो जाएंगे, यानी कि चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।